इमरान खान की तब्दीली को किसी ने पीछे छोड़ दिया है तो वह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। यानी इमरान की तब्दीली और पाक क्रिकेट टीम की बकरी कुदान दोनों छकड़ा कटोरे के दो पहलू हैं, जिसमें गड्ढे वाले हिस्से पर इमरान कुलाचे भर रहा है जबकि पेंदे की तरफ पाक क्रिकेट टीम चिपकी हुई है। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से यह टीम आउट हो चुकी है, जबकि इमरान किसी तरह सत्ता से आउट होने से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अपनी सरकार को राइस पर्वत बनाने के चक्कर में कल इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज की झूठी रिपोर्ट का सारा लेकर खूब गधेड़े अंदर टकराया, लेकिन शाम होते होते पता चला कि सब झूठ था। अब सवाल यही है कि मुल्क ऐसी ही मुगल पद्धति से चला करेगा या इमरान मूडीज के मूड से देश चलाएंगे। दरअसल कंगाली की गठरी लेकर चल रहे इस देश के हुक्मरान ने कल अपनी जनता के सामने एक भद्दा मजाक किया। इन्होंने ढिंढोरा पीटा कि मूडीज ने पाकिस्तान को अपनी क्रेडिट रेटिंग और आउटलुक रेटिंग में शानदार रेटिंग दी है। यानी जिस देश में एक किलो टमाटर पैदा करने की क्षमता नहीं, तैमंद मार्केट में नए की बजाय पुराने ही महंगे बिक रहे हो, निर्यात घाटा चरम पर हो और सब कुछ खैरात आयात पर चल रहा हो, वह मूडीज की झूठी रिपोर्ट का सहारा लेकर एक दिन के लिए गधैया दर तक करा दिया गया। वैसे ऐसे बद्दे मजाक इस मदरसा मुल्क में ही हो सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने की प्रवृत्ति इन्हें विरासत में मिली है। पर एक झूठ तो इससे भी बड़ा बोला गया, जिस पर गधैया नर्तक तो नहीं हुआ, उल्टे 350 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इमरान लोने ने दो दिन पहले घोषणा की थी कि वे छात्र संघों की बहाली करेंगे, जिसके बाद छात्र शांत हुए थे, पर कल पूरे दिन धरपकड़ करके सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पाकिस्तान एक बड़े आंदोलन से रूबरू हो सकता है। पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक ने वर्ष 1984 में छात्र संघों पर रोक लगा दी थी। इमरान सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर राजद्रोह के मामले दर्ज कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 में इस निंदा के आरोप में पाकिस्तान की जिहादी भीड़ ने जिस मसान को पीट पीट कर मार डाला था, उसके पिता इकबाल लाला को भी गिरफ्तार कर लिया, उन पर भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इसका मतलब यह है कि पड़ोसी पाकिस्तान में अब कुछ बड़ा होने वाला है। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। महंगाई और स्थानीय कॉलेजों में लगाए जा रहे आजादी के नारे अब खुद ही इस मदरसा छाप मुल्क का बैंड बजा सकते हैं। वैसे भी अब पाक जनता का सब्र का बांध टूट रहा है। उनकी तब्दीली अंडे भैंसों मुर्गी और लंगर खानों से ज्यादा नहीं हो पाई है। अपने 16 महीने के कार्यकाल में इमरान खान ढंग के 8 फैसले भी नहीं ले पाए। जनता को पहले दिन से आज तक झूठ ही परोसा गया है या फिर बोला गया है कि घबराना नहीं, पर इस वक्त पूरा पाकिस्तान घबराहट में है। 48% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। रोज रोज के आंदोलनों और हड़तालों ने इस मुल्क की अर्थव्यवस्था और चौपट कर दी है। कारोबारी देश छोड़कर भाग रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पाकिस्तान की तरफ हाथ करके गिली गिली ठोसा कर रही है। उसके बावजूद मूडीज की झूठी रिपोर्ट का ढिंढोरा पीटकर जनता को आलोपी दीन बनाया जा रहा है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि इमरान सरकार के लिए दिसंबर का महीना भारी पड़ने जा रहा है, पर हकीकत यह है कि खुद इमरान ही पाकिस्तान पर भारी है, क्योंकि अब इमरान के पास कोई नीतियां नहीं बची है। भारत विरोध का जो गुब्बारा उन्होंने 2 महीने पहले उड़ाया था, उसमें से हाइड्रोजन गैस छू हो चुकी है। अब इसे उड़ाकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान में छात्र आंदोलन भड़कने का संकट फिर से खड़ा हो गया है। यह आंदोलन फजलुर के आंदोलन से कहीं अधिक भयावह हो सकता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन को तमाम विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इमरान सरकार द्वारा छात्रों पर कठोर कार्रवाई से चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। बेशक इमरान के मंत्री इसे भारत खुफिया एजेंसियों की साजिश बताते रहे, लेकिन इसके जिम्मेदार खुद इमरान और पाक की पूर्ववर्ती सरकार है। वैसे इसे पाक द्वारा जेएनयू में कराए गए छात्र आंदोलन से भी जोड़ा जा रहा है। पर कहने वाले कुछ भी कहते रहे, पाकिस्तान में बजने वाली बैंड की धुन का आनंद भारत नहीं उठाएगा तो इस बैंड का बजवाने से फिर क्या फायदा।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।